इस अभियान के लिए आप सब लोगों का सहयोग है, नगर परिषद आप लोगों का, एमएलए साहब का, सभी का, हमारे स्टाफ का, इस वजह से गति मिल रही है और जो चल रहा है ना वो सही चल रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा ही काम किया जाएगा। आज किस तरह से अभियान में कार्रवाई की आपने? आज जो कार्रवाई की गई गाड़ियों को चालान करने की, बड़ी गाड़ियों के चालान करने की, थोड़ी सी बातें आती है, लोग अपना आपको नेतागिरी ज़्यादा वो अपना आपको समझते हैं, हमारे नेता हो गए, लेकिन इसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब तक हमारे साहब की, एमएलए साहब की, डिप्टी साहब की, एसडीएम साहब की मेहरबानी है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ऐसा अजमेर में भी देखने को मिला था, जब आपके यातायात जो डिप्टी है उनको भी धमकियाँ दी थी मंत्रियों की, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं पड़ा। तो आप पर भी इस तरह से दबाव, जो राजनेताओं का दबाव है, आपको धमकियाँ दी जाती है, तो किस तरह से परेशानी आती है? इन धमकियों में कोई तबीयत रहता भी नहीं है और मेरे फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, फिर मैं इस चीज़ों का हेवी चुनूँ। मैं जब भी शहर भी था तो ऐसे मिलते रहते थे और यह हूँ तो ऐसे मिलते रहता, मेरे को फ्रेंड करता। आज जो कार्रवाई करी, कितने वाहनों के आपने चालान काटे, कितने आज जो कार्रवाई की है, अपने कम से कम 8-10 गाड़ियों में चालान किए हैं और आने वाले सही सोमवार को और करेंगे अभियान, सोमवार से और चालान करेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा उसमें। अब निरंतर जो अभियान चल रहा है उसमें किस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है, कोई थोड़े बहुत जागरूक? हाँ, लोगों में जागरूक आई, लेकिन फिर भी लोग कुछ अड़ियल स्वभाव के हैं तो अपना आप अड़ते रहते हैं, नेतागिरी ज़्यादा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है।